हाँ भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन है ए कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर पी अपॉन एक्स वाई टू द पावर क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इस एक्सप्रेशन को अपने को थीटा के इंडिपेंडेंट बनाना है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अपने पास ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर पी अपॉन एक्स वाई टू द होल पावर क्यू। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर कॉस टू द पावर सिक्स थीटा साइन टू द पावर फोर थीटा। सिमिलरली वाई स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर साइन टू द पावर सिक्स थीटा कॉस की पावर फोर थीटा टू द होल पावर पी टू द होल पावर पी। दिस इज अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर साइन टू द पावर फाइव थीटा कॉस टू द पावर फाइव थीटा टू द पावर क्यूब। मल्टीप्लाई हो गए उन दोनों की पावर क्यूब। अगर मल्टीप्लाई होंगे तो इधर क्यूब है इधर स्क्वायर तो पावर पाँच हो गई दोनों की। एक तरफ कॉस क्यूब है दूसरी तरफ कॉस स्क्वायर पावर फाइव। एक तरफ साइन स्क्वायर एक तरफ साइन क्यूब पावर फाइव। तो अपने पास कुछ ऐसा बन गया। और कुछ ऐसा बनने पर हमने देखा न्यूमरेटर से कुछ टर्म कॉमन आ रही है। न्यूमरेटर से कुछ टर्म कॉमन आ रही है ए स्क्वायर कॉस टू द पावर फोर थीटा साइन टू द पावर फोर थीटा ये कॉमन आ रहा है। लेकिन उसकी भी पावर पी था तो ये पावर पी सब पे लगेगा पावर पी सब पे लगेगा। और फिर जो बचेगा वो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू द होल पावर पी। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो दिस इज ए टू द पावर टू क्यू साइन टू द पावर फाइव क्यू थीटा एंड कॉस टू द पावर फाइव क्यू थीटा। और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये वाला जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो वन हो गया। तो इसको हम फर्दर फिर क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर लिख सकते हैं ए टू द पावर टू पी माइनस टू क्यू कॉस टू द पावर फोर पी माइनस फाइव क्यू टाइम्स थीटा और साइन टू द पावर फोर पी माइनस फाइव क्यू इंटू थीटा। अब आप देखो आपको बोल रखा है कि दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब थीटा उसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप सोचो थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तो ये वाली पावर अगर ज़ीरो हो जाए और ये वाली पावर भी अगर ज़ीरो हो जाए तो ऐसा हो जाएगा जैसा क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। इट मीन्स फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा 4p माइनस 5q शुड बी ज़ीरो implies 4q equals to 5q which is given in option B.